Now we will see some other leadership skills and two of them are social and emotional skills. A positive outcome of leadership is that a person should be socially and emotionally strong and tricky. Now leaders hain, wo se ko apne control 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 तो जो बच्चे सोशली इमोशनली स्ट्रॉग हैं वो दूसरों से बेहतर कम्युनिकेट करते हैं दूसरों को बेहतर डील करते हैं और अपने जज्बात पर कंट्रोल रख रखने में कादिर हैं वो ज़्यादा अच्छे लीडर हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी सोशल स्किल्स हैं जो बच्चों के अंदर पैदा होनी चाहिए सो लीडर्स ऑलवेज़ बिलीव ऑन नेगोशिएशन आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे कुछ जो हम समझते हैं कि तेज़ बच्चे हैं लीडर बच्चे हैं वो नगोशिएट करना जानते हैं उनके मुतालबे जो हैं वो उनके पास बहुत सी उसकी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उसकी रीज़न्स होती हैं कि हम ये क्यों मांग रहे हैं या हमें ऐसा क्यों करना है वो आपको तरह तरह से नगोशिएट करने की कोशिश करेंगे वालदान की हर बात का वो एग्जैक्ट जवाब इस तरह से देते हैं कि आखिर में केयरगेवर या वालदे जो हैं वो मजबूर होते हैं कि उनके इजाज़त दी जाए या बेहतर तरीके से वो बात कर सकते हैं अपना मुद्दा समझा सकते हैं देन परसुएशन देखें जैसे मैंने अर्ज़ किया एक अच्छे लीडर का काम ही यही है कि वो दूसरों को किसी अपने किए हुए डिसीशन पे अमल करने के लिए परसुएट करें जिन चीज़ों को वो बेहतर समझ रहा है या जिन चीज़ें पे अब बच्चों के हद तक तो जाहिर है वो कोई ब्रॉडर तो उनके पॉलिटिकल इश्यूज या आइडियाज़ तो नहीं होते सिर्फ ये होता है कि उनके जहन में कोई किसी खेल का या किसी कोई ऐसा नया आइडिया आता है कि उनको नई एक्टिविटी क्या करनी चाहिए तो वो दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि भई हम ऐसा करेंगे तो हमें इसका ये फ़ायदा होगा आओ हम ये एक्टिविटी करें आओ हम मिलजुल के ना वो खेलते हैं हम भागेंगे हमें मज़ा आएगा थ्रिल होगी अब वो जो उसके एक्जेक्टिवस बता रहा है ख़ूबियाँ बता रहा है और लोगों को कायल करने की कोशिश कर रहा है तो हम समझते हैं कि अच्छे लीडर में परसुएशन की ख़ूबियाँ ज़रूर होनी चाहिए फिर हम कहते हैं जी कंप्रोमाइज़ अच्छा हर दफ़ा तो बात पूरी नहीं होती तो फिर कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा अगर वो वही चीख उठेगा या एग्रेसिव एग, एग्रेशन का इजहार करेगा या छोड़ देगा मामले को छोड़ के भाग खड़ा होगा तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता अब करना क्या है कि उसको अपनी पूरी कोशिश करनी है उसको आर्ग्यूमेंट देनी है नेगोशिएट करना है कन्विंस करना है लोगों को लेकिन अगर बात फिर भी नहीं बनती तो फिर उसको कंप्रोमाइज़ भी करना है यानी वो ये जानता हो कि कहीं ना कहीं कोई लिमिट भी है और कहीं ना कहीं उसको कंप्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है फिर हम देखते हैं कंसिडरेशन सो देर आर लॉट ऑफ फिनमिना अराउंड अस बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं कुछ बच्चे नाराज़ हैं कुछ खुश हैं कुछ आपके साथ टीम बनाने को तैयार हैं कुछ नहीं है किसी का कोई मसला है किसी के पास कोई बहाना है और तो और जब पेरेंट्स के साथ नेगोशिएशन हो रही होती है तो पेरेंट्स के बाद भी बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं फाइनली अगर कोई हमारा यंग लीडर उनको कंसिडर करने की कोशिश करे कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मान लेते हैं या फलां को कोई मसला है तो इसकी भी कोशिश इसको भी हल किया जाए मसला मैंने अक्सर देखा है अब देखे लीडरशिप क्या है लीडरशिप इज जस्ट अ वे फॉरवर्ड कि दूसरे बच्चों से निकल के आगे एक स्टेप लेते हैं और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं आपने देखा है कि छोटे बहन भाइयों में जो बड़े बहन भाई हैं वो ज्यादा वो लीडरशिप ज्यादा शो करते हैं कैसे कि भाई अगर मुझे खाने की चीज़ मिली है तो छोटे भाई को भी दें और ये कि अगर मुझे कुछ खेल करना है तो छोटे भाई को भी साथ शामिल करें तो इस तरह की वो चीज़ें जिसमें वो दूसरों को भी कंसिडर करते हैं उनकी अच्छाइयाँ उनकी बुराइयाँ उनकी नज़र में हैं और वो उनको अच्छे या बुरे तरीके से मनीपुलेट कर सकते हैं तो ये सोशल या इमोशनल स्ट्रेंथ है बच्चे की और यही बहुत बड़ी लीडरशिप स्किल है examples of high functioning in the social and emotional development domain including sharing resources, maintaining personal emotional control. अब आप मुझे ख़ुद बताइए बहुत से बच्चे आपकी नज़र से गुजरे होंगे लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो अपने रिसोर्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो जो शेयर करते हैं वो आप देखिए कि बड़े नहीं शेयर करते आसानी के साथ उसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी लीडरशिप सेंस जो है वो डेवलप कर चुके हैं उनको शेयरिंग के बारे में पता है क्यों कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है अगले को भी अच्छी लग रही है इसका भी इसी तरह से दिलचारा है और फिर ये कि ये एक ऑल्ट्रूस्टिक यानी एक भलाई का काम है निकी का काम है अच्छा है तो फिर वो शेयर करते हैं फिर एक और भी दिलचस्प बात है जो कोलबर्ग ये कहता है कि एक हमारी अच्छाई इंस्ट्रूमेंटल भी होती है यानी हम देखते हैं कि फलां चीज़ में मेरा भी फायदा है अगर मैं ये अच्छा काम कर लूंगा तो मेरा भी इसमें फ़ायदा है कुछ गिव एंड टेक का चक्कर चलता है तो अगर ये भी कोई बच्चा सोचता है तो वो भी एक लीडरशिप क्वालिटी है कि भाई आप इसलिए अच्छा कर रहे हैं ताकि दूसरे आपके साथ अच्छा करें आप किसी को इसलिए खिलौना दे रहे हैं कि दूसरे अपना खिलौना आपको देंगे ये भी एक अच्छी तमीज़ की ही बात है कि कंसोलिडेटेडली आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें सो so, सच लीडर्स ऑलवेज एक्सप्रेस एम्पथी विथ बोथ एक्शन एंड वर्ड्स तो जो बच्चे कंसिडरिंग हैं जिनमें ऑल्ट्रोइस्टिक खूबियाँ हैं भलाई की नेकी की उनके यहाँ प्रेफरेंस है तो वो अपने एक्शंस के साथ भी और अपने वर्ड्स के साथ भी लोगों को कन्वेंस करेंगे लोगों को कन्वे करेंगे यानी काम भी अच्छा करेंगे और बताएँगे भी कि वो उनके लिए अच्छा चाहते हैं तो हम ये समझते हैं सोशल और इमोशनल स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अच्छे लीडर्स के लिए तो जैसे मैंने अर्ज़ किया ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी मदद से हम बच्चों को दूसरों के साथ बेहतर तरीके से डील करने के बारे में बता सकते हैं हम बता सकते हैं कि उनके अपने जज्बात को कैसे काबू में लाना है हम उनकी मदद कर सकते हैं कि उनको अपने प्ले मेट्स के साथ वालदान के साथ या अपने इस के साथ किस तरह से बात करनी है क्यों ऐसा डील करना है उसकी क्या वजूहत हैं क्या उनको इसके फ़ायदे होंगे और इस तरह अगर उनकी ये लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तो श्योरली दे विल बिकम अ परफेक्ट एडल्ट विद लीडरशिप क्वालिटीज़ और सोशल और इमोशनल स्किल्स का अच्छा होना इस बात की भी जमानत है कि वो अपनी कम्युनिटी के भी एक बेनिफिशियल मेंबर बनेंगे क्योंकि कम्यूनिटी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उनके मसायल को समझें उसको हल करें और उनकी चीज़ों को कंसिडर करें और फिर अगर कोई मसला है तो उसको नेगोशिएशन से हल करें कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आर्ग्यूमेंट दें तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी मदद से एक अच्छी लीडरशिप स्किल जो है वो पैदा की जा सकती है